बिहार सरकार ने सोमवार को अल्पसंख्यक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखाने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी होगी, जबकि बाकी 5 लाख रुपए लोन के तौर पर होंगी। इसे किश्तों में लौटाना होगा। 19वीं एशियन गेम्स में तीसरे दिन हांगझाऊ में सेलिंग में नेहा ठाकुर ने 28 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये भारत का दिन का पहला मेडल है। इसके साथ ही भारत के अब एशियन गेम्स में 12 मेडल हो गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड शामिल हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने कल भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। प्रदर्शन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू के आह्वान पर वैंकूवर और ओटावा में किए गए। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से रायपुर तक स्लीपर ट्रेन से सफर किया। 117 किलोमीटर के सफर में राहुल ने पैसेंजर्स से उनकी समस्याएं पूछी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ रहे। इससे पहले राहुल बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। एप्पल कंपनी अगले 4-5 सालों में भारत में अपना प्रोडक्शन 5 गुना तक बढ़ाएगी। कंपनी पिछले साल भारत में 58,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन किया। इसे 2027-28 तक 3,32,00,000 करोड़ करने की तैयारी है। फिलहाल एप्पल भारत में केवल आईफोन बनाती है।